अमिताभ बच्चन लाइफस्टाइल 2020। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे एक्टर की जो बार बार रिजेक्शन सहा और लोगों ने इसे कहा तेरे साथ काम कौन करेगा, लेकिन ये बना बॉलीवुड और भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अदाकार जिन्हें हम अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपनी मेहनत और लाजवाब एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बना ली। दोस्तों, आज हम लाइफस्टाइल वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज करने वाले एक्टर अमिताभ बच्चन की। अगर आप इनकी लाइफस्टाइल वीडियो देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत करके ये मुकाम हासिल की है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको अमिताभ बच्चन पसंद है तो हमारे चैनल मोटिवेशन मीडिया को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन का पूरा नाम अमिताभ हरिवंश राय श्रीवास्तव है और इनका स्क्रीन नाम अमिताभ बच्चन है और इनका निकनेम अमित और बिग बी है। इनका एक और भी निकनेम है जिसको आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र 77 साल हो चुकी है। अमिताभ बच्चन ने अपनी स्कूली शिक्षा इलाहाबाद से करी, उसके बाद उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज न्यू दिल्ली से ग्रेजुएशन की साइंस डिपार्टमेंट में। अमिताभ बच्चन का जब जन्म हुआ था तब उनका नाम इनकलाब रखा गया था क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज था और उस वक्त क्रांतिकारियों का नारा होता था इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन आगे चल के इनके पिता ने इनका नाम बदलकर अमिताभ रख दिया। अमिताभ नाम की मीनिंग है कभी न मिटने वाला उजाला। अमिताभ बच्चन पेशे से एक टीवी होस्ट, एक्टर और पॉलिटिशियन हैं। तो चलिए बात करते हैं अमिताभ बच्चन के करियर की। अमिताभ बच्चन सबसे पहले अपने दोस्त के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो में नैरेटर की जॉब के लिए आवेदन किया और जब वहाँ अमित जी के आवाज को मोटा और भद्दा बताकर रिजेक्ट कर दिया गया तो वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद अमित जी कलकत्ता चले गए और वहाँ पर वो 5 साल तक छोटी मोटी प्राइवेट जॉब करी। 1968 में अमित जी ने अपने आप को फिल्मों में आजमाने के लिए बॉम्बे आ गए, जहाँ अमित जी के आवाज को मोटा भद्दा बताकर रिजेक्ट कर दिया गया था। वहीं फिल्मों में उनकी शोहरत वॉइस नैरेटिव के तौर पर हुई। अमित जी ने अपनी पहली फिल्म भुवन सोम में अपनी आवाज दी। अमित जी को आगे चलकर राजीव गांधी के मित्र होने के कारण फिल्मों में इंटर होने के लिए ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। 1969 में अमित जी को ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिला, लेकिन उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट ना हो सकी। 1970 में अमित जी ने बॉम्बे टॉकीज में काम किया और 1971 में परवाना मूवी में काम किया और ये दोनों फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रही। 1971 में अमित जी ने सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के साथ आनंद फिल्म में काम किया और इस फिल्म से अमित जी को सफलता मिली और फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू हुआ। इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। अमित जी का असल कामयाबी का सफर 13 फिल्म करने के बाद मिला, जब वो 1973 में जंजीर फिल्म में लीड रोल मिला और ये फिल्म पर्दे पर आते ही छा गई और ये फिल्म हिट रही और इस फिल्म से अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। इसके बाद अमिताभ ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्म दी जिसमें शोले, दीवार, अमर अकबर एंथोनी, शहंशाह, मुकद्दर का सिकंदर, ये अमिताभ के करियर की एवरग्रीन फिल्म है जिसको आज तक लोग दिल से देखते हैं। 1983 में अमिताभ ने पॉलिटिक्स में कदम रखा लेकिन राजनीति में टिक ना सके। 1988 में अमिताभ बच्चन शहंशाह फिल्म की, जो कि उनके करियर की हिट फिल्मों में से एक रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे फिल्म्स की जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप रही, जिसमें गंगा जमुना सरस्वती, सुरमा भोपाली। 2000 में अमिताभ बच्चन ने टेलीविजन शो होस्ट किया जिसका नाम था कौन बनेगा करोड़पति और इस शो ने टीवी की दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। 2003 में अमिताभ ने बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी जी के साथ बागबान फिल्म में काम किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही हिट हुई। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस फिल्म में अमित जी ने प्लेबैक सिंगर भी काम किया। 2015 में अमिताभ ने बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर इरफान खान के साथ भी एक मूवी की थी जिसका नाम था पीकू। ये कॉमेडी फिल्म थी जिसे देखने वालों ने काफी पसंद किया था। अमिताभ अपने कैरियर में बहुत सारी हिट फिल्म्स करी हैं, जैसे सत्ता पे सत्ता, शहंशाह, कूली, दीवार, मुकद्दर का सिकंदर, पीकू, कभी अलविदा ना कहना, डॉन, कभी खुशी कभी गम, बागबान और मोहब्बतें। दोस्तों, आपको अमिताभ कैसे एक्टर लगते हैं? आपको अमिताभ की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अवार्ड्स की। अमिताभ बच्चन को 2014 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इसके अलावा अमिताभ को आईफा अवार्ड, जी सिनेमा अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं उनकी फिल्म पीकू, ब्लैक, मोहब्बतें और पा मूवी के कारण। तो चलिए दोस्तों अब मिलवाते हैं आपको अमिताभ बच्चन की फैमिली से। अमिताभ बच्चन के पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन है और माता का नाम तेजी बच्चन। अमिताभ बच्चन के भाई का नाम अजिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की वाइफ का नाम तो सभी जानते हैं, जया बच्चन। अमिताभ बच्चन की बेटी का नाम है श्वेता नंदा बच्चन और अमिताभ बच्चन के बेटे को तो आप सब जानते ही हैं, उनका नाम है अभिषेक बच्चन।
इनकी बहू हैं इंडिया की मोस्ट ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन और इनकी पोती का नाम है आराध्या बच्चन। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इनकम की। अमित जी एक मूवी करने के लिए 19 से 20 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ज्यादातर इनकम इनकी ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है जिसके वो 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किए हैं 121 करोड़ रुपए की, इससे भी इनकी अच्छी इनकम होती है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अमिताभ बच्चन के नेटवर्क की। अमिताभ बच्चन का नेटवर्क है 425 करोड़ की। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमिताभ बच्चन के घर की। अमिताभ बच्चन अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं और घर का नाम है जलसा। और 2020 के हिसाब से इनके बंगलों की कीमत है 160 करोड़ रुपए। और इस वीडियो में और फोटोज में इनके घर की कुछ झलक भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उनके कार्स कलेक्शन की। अमिताभ बच्चन को लग्जरियस कार रखने का बहुत शौक है। अमिताभ बच्चन कंप्लीट कार्स कलेक्शन की कीमत होगी 10 से 15 करोड़ से ऊपर। अमिताभ बच्चन के पास एक लांस क्रूजर है जिसकी कीमत है 90 लाख रुपए। अमिताभ के पास लैंड रोवर रेंजर रोवर भी है जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। अमिताभ के पास एक रोल्स रॉयल्स फैंटम भी है जिसकी कीमत है 12 करोड़ रुपए। अमिताभ के पास बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी कार है जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। इसके अलावा अमिताभ के पास एक प्रोसे केमन भी है जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए। तो ये है अमिताभ बच्चन के लाइफस्टाइल वीडियोस। अगर आप अमित जी के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक और हमारे चैनल मोटिवेशन मीडिया को शेयर कर हमें और वीडियोस के लिए प्रोत्साहित जरूर करें। धन्यवाद। अमिताभ बच्चन लाइफस्टाइल 2020। दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे एक्टर की जो बार बार रिजेक्शन सहा और लोगों ने इसे कहा तेरे साथ काम कौन करेगा, लेकिन ये बना बॉलीवुड और भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अदाकार जिन्हें हम अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपनी मेहनत और लाजवाब एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बना ली। दोस्तों आज हम लाइफस्टाइल वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज करने वाले एक्टर अमिताभ बच्चन की। अगर आप इनकी लाइफस्टाइल वीडियो देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत करके ये मुकाम हासिल की है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको अमिताभ बच्चन पसंद हैं तो हमारे चैनल मोटिवेशन मीडिया को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अमिताभ बच्चन का पूरा नाम अमिताभ हरिवंश राय श्रीवास्तव है और इनका स्क्रीन नाम अमिताभ बच्चन है और इनका निकनेम अमित और बिग बी है। इनका एक और भी निकनेम है जिसको आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र 77 साल हो चुकी है। अमिताभ बच्चन ने अपनी स्कूली शिक्षा इलाहाबाद से करी, उसके बाद उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज न्यू दिल्ली से ग्रेजुएशन की साइंस डिपार्टमेंट में। अमिताभ बच्चन का जब जन्म हुआ था तब उनका नाम इनकलाब रखा गया था क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज था और उस वक्त क्रांतिकारियों का नारा होता था इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन आगे चल के इनके पिता ने इनका नाम बदल कर अमिताभ रख दिया। अमिताभ नाम की मीनिंग है कभी न मिटने वाला उजाला। अमिताभ बच्चन पेशे से एक टीवी होस्ट एक्टर और पॉलिटिशियन हैं। तो चलिए बात करते हैं अमिताभ बच्चन के करियर की। अमिताभ बच्चन सबसे पहले अपने दोस्त के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो में नैरेटर की जॉब के लिए आवेदन किया और जब वहां अमित जी के आवाज को मोटा और भद्दा बताकर रिजेक्ट कर दिया गया तो वहां से रिजेक्ट होने के बाद अमित जी कलकत्ता चले गए और वहां पर वो 5 साल तक छोटी मोटी प्राइवेट जॉब करी। 1968 में अमित जी ने अपने आप को फिल्मों में आजमाने के लिए बॉम्बे आ गए। जहां अमित जी के आवाज को मोटा भद्दा बताकर रिजेक्ट कर दिया गया था वहीं फिल्मों में उनकी शोहरत वॉइस नैरेटिव के तौर पर हुई।